समय के अनुसार माना कहां तक गैस तक चले गए तो अब थोड़े समय बाद गैस के अंदर भी अब तुम लोग सुने कि नहीं, थोड़े दो चार साल में सुनोगे तुम्हारे पेट्रोल में गैस में हाइड्रोजन की लाइन आएगी। हाइड्रोजन आज तक चार पांच साल बाद हाइड्रोजन बनेगी, समझे, तो वो मिलाई जाएगी ताकि और तेजी से आग जले। तो ये जो है समय के अनुसार क्या है, इतिहास बदला और भट्टियों के डिजाइन बदले, ईंधन बदले, और उसमें वो कह रहे हैं इसको बोलते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होने लगा, समझे, तो उसमें आप अलग 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 तरह की भट्टियों की बात करने लगे। और आपने बहुत तरह की भट्टी जहाँ देखता है वो तो देख ही नहीं, यहाँ आने के बाद आपने और अलग अलग भट्टी देखी। हमारे अंदर जो भट्टी लग रही है ना गोलर वाली है, ये अगली पीढ़ी वाली भट्टी है, अगली पीढ़ी मतलब खुर्जा में। तो हमने जितनी भट्टी दिखा रखी है सब दिखा रखी है मॉडल में, तो वो भट्टी दिखा रखी है, तो उसके बाद जो अब अगले आने वाली पीढ़ी है वो भट्टी भी हमने लगा के और ट्रायल कर दी। इसमें माल पकता था 4 घंटे में 1200 रुपए और वहां लगते 20 घंटे। तो ये वो बात कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ डिजाइन बदले भर्ती हो, समझे, वो बात किया। तो अब जो हमने आपको परसों फोटो दिखाया, वो जो फोटो दिखाया मैंने फोटो दिखाया उसमें एक दरवाजा था, ठीक, भट्टी के नीचे एक मुंह बना हुआ था जो हमने आसाम में देखा, नीचे से लकड़ी जाल निकाल रहा था, दरवाजे से वो माल रखता है, और उसमें नीचे आप अगर हवा लेना चाहते हैं और आप अगर भट्टी में आप लोग बहुत लोग करते हैं, वो लोग भी करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो नीचे लकड़ी जलाओ तो सारा बर्तन बर्तन लोग किए तो सारा सारा बंद तो कर नहीं लोगे ना, बंद करोगे नहीं, तो उसमें क्या करते हैं खिड़की खोलते हैं, बोलते हैं ना, है? बोल देते हैं ना कि हीटिंग के द्वारा अंदर आए ऊपर आए, उसको बोलते हैं फायर गेट्स। ये गेट उस भट्टी में बनाए गए जो अभी गई है, इसीलिए उस भट्टी में 1 रुपया किलो का माल पकड़ा था, समझे, तो भट्टी कहता था। ये आपको ये बता देगा, अभी देखो ये दे दे पहले समझे, इस तरह से पहले मिट्टी नहीं, आप डेजर्ट रोड पर जा रहे हो, बहुत लोगों ने सुना होगा अपने अपने शहरों में रोड में गड्ढे हो जाते हैं, मालूम है गड्ढे हो जाते हैं रोड में, गड्ढे होते हैं तो उसको कभी सुना है किसी ने कि मशीन आ रही है पॉट होल भरने के लिए, कोई शहर में सुना होगा, बोलते पॉट होल हो गए, वो पॉट होल जो है ना वो पॉटरी के नाम पे ही पॉट होल बने, अंग्रेजी का शब्द बना है, पॉट होल हो गए पॉटरी होल। तो पहले जमीन में गड्ढा करके कुमार ऊपर नहीं बना पाता, जमीन में गड्ढा करके तब बना के और ऊपर से लेटता था, तो वो जो ऊंचाई जमीन के ऊपर होती थी वो बहुत कम होती, तो गांवों में हटे में बनाया करते थे अपने रोड पे, और जब भट्टी फायरिंग हो गई उसको भर देते थे, तो सड़क पे पॉट होल बने मिला करे, वही पॉट होल अब वहां पे बड़े बड़े शहरों में बॉम्बे में बैंगलोर में जहां भी हो देखेंगे तो बोलो पॉट होल भरने मंदी आ गई, तो भरने आता है ना कार लेके, वो उस तरह की भट्टी थी। फिर वो लोग ऊपर उठे, फिर वो लोग चिमनी लगाने लगे इस तरह से करते हुए, फिर चिमनी लगाई ये भट्टी हुई, इस तरह की भट्टी बनाने लगे, और इधर दरवाजा दे दिया, इधर दरवाजा दे रखा, ठीक है, यहाँ से माल रख दिए। अब लगाओ ये जो भट्टी है इसके चारों तरफ ईंट लगी हुई है, डिजाइन तो ये वाला जो डिजाइन है कम से कम 1000 साल पुराना है, इसके चारों तरफ ईंट लगी हुई है, हमने ये भट्टी भी बनवा कर दी है यूपी में गुजरात में। अब इस वाली हमने क्या किया है,
यहाँ पे पूरा का पूरा ही लोहे का बना दिया और लोहे के बनाकर हम पर फाइबर लगा दिया। यदि हम उस दीवार को और कम करते जा रहे हैं, दीवार के वजन वेट को कम करते जा रहे हैं ताकि दीवारें भी कम एब्जॉर्ब करें, तो हमने यही सब रखा। तुमने देखा दरवाजा भी है, सब कुछ है और अंदर में हमने फाइबर लगा रखा था। हम वेट कम करते चले गए, वेट वजन कम करते चले गए, ईंट ज्यादा वजन रखती है फाइबर कम रखता है, तो ये करते रहे। ये वाला डिजाइन चला गया, लोग इस तरह की भी भट्टी बना बना के अंदर ऊपर तक माल फायर कर रहे हैं। और मैंने गुजरात वाली भी दिखाई, तो तुम लोग का उद्देश्य जो होना चाहिए ये होना चाहिए, फाइबर शुरू में तो महंगा पड़ेगा लेकिन आपका की जो बचत करेगा लकड़ी वकड़ी की वो ज्यादा करेगा, ज्यादा कम लकड़ी लगेगी, ज्यादा पकेगा माल और फिर आपका खर्चा कम होगा। लेकिन लोग सोचते नहीं है वो, तो ये बता रहे हैं। और ये वाली भट्टी हमने दिखाई, ये वाली भट्टी टनल तुम देख रहे हो, ये भी आ गई, ये देख चुके हो डिजाइन है अलग अलग। अब देखो तुमने इस तरह पता नहीं तुम लोग एक दो तीन चार, ये है ना, ये भट्टी पूरी बनी हुई है टनल देखी जैसी।